गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस समय हम लोग चित्रकूट में हनुमान धारा दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए हम वहां का दर्शन करते हैं। हम सभी लोग बस के द्वारा हनुमान धारा दर्शन करने के लिए पहुंच गए। यहां पर साल के 12 महीने लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान धारा जाने के लिए हमें रोपवे से जाना पड़ेगा। रोपवे का टिकट यहाँ से मिलेगा। हम लोग टिकट काउंटर से टिकट ले रहे हैं लाइन लगाकर। अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में हम लोग लाइन से आगे निकल जाएंगे। रोपवे के द्वारा हम लोग हनुमान धारा जाएंगे। अभी हम लोग रोपवे के पास आ गए अंदर। थोड़ी देर में ट्रॉली आने वाली है। ट्रॉली में बैठ के हम लोग जाएंगे। देखिए रोपवे का मशीन है, ये मशीन जो चलता है। अभी रोपवे आ गया, इसमें हम लोग बैठ के चलने वाले हैं। रोपवे से बैठ के हम लोग हनुमान धारा जा रहे हैं। देखिए कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर बैठकर जाने में। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। गाइस आप भी एक बार यहाँ पर अवश्य आइए और रोपवे का आनंद लीजिए और भगवान का दर्शन कीजिए। हम लोग ऊंचाई पे एकदम पहुंच गए हैं। रोपवे से देखिए नीचे का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है। बसें और गाड़ियां एकदम छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। अभी हम सभी लोग रोपवे से ऊपर आ गए। अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हनुमान धारा की तरह हम लोग सीढ़ियों के द्वारा जा रहे हैं। देखिए ऊपर जाना पड़ता है। गाइस हनुमान धारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चित्रकूट धाम में एक पवित्र स्थल है। यह एक प्राकृतिक जलधारा के साथ एक प्राचीन मंदिर का समावेश है जो श्री हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया था तब वे इस स्थान पर आकर अपनी जलती हुई पूंछ में ठंडा पानी डालकर शांत किया था। यह स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चारों ओर का दृश्य मनोरम और सुंदर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर एक विशेष गुफा है जहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। इस जलधारा का पानी साल के 12 महीने बहता रहता है। यह वही पवित्र जलधारा है दो साल के 12 महीने यहाँ से पानी बहता रहता है। अभी हम सभी लोगों ने हनुमान धारा का दर्शन कर लिया। अभी हम लोग सीता रसोई की तरफ जा रहे हैं। सीता रसोई जाने के लिए देखिए ये रास्ता है। इस रास्ते से हम लोग सीता रसोई जा रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लगभग 50-60 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची ऊंचाई पर है। सीता रसोई चित्रकूट में एक प्रसिद्ध स्थल है जो धार्मिक महत्व रखता है। यह मानता है कि चित्रकूट के जंगलों में अपने वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता एवं लक्ष्मण ने अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया था। सीता रसोई उस स्थान को दर्शाती है जहाँ माता सीता ने भोजन पकाया था। इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। यहाँ एक छोटा सा कमरा है जिसमें पत्थर के चूल्हे हैं जिन्हें माता सीता के द्वारा उपयोग में किए जाने की कल्पना की जाती है। सीता रसोई भक्तों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है और उन्हें उस समय की याद दिलाती है जब देवी सीता भगवान राम के साथ
वन में थी। चित्रकूट आने वाले यात्री अक्सर हनुमान धारा एवं माता सीता की रसोई के दर्शन करने आते हैं और इस स्थान की दिव्यता एवं शांति का अनुभव करते हैं। गाइस, हमने हनुमान धारा और माता सीता की रसोई का दर्शन किया और भी सारे जगहों का यहाँ पर दर्शन किया। हमें एक धार्मिक और आध्यात्मिक का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।